नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। तो आज की मेरी कहानी है हनुमान जी और लाल जी सेठ की कहानी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और सुनते हैं लास्ट तक। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नियम था कि जब वह किसी भी अन्य गांव में जाते थे तो उस गांव में राम मंदिर में ही रहते थे। वह राम मंदिर में रहकर श्री राम जी को संपूर्ण रामायण जरूर सुनाते थे। एक दिन वह किसी दूसरे गांव में गए और उस गांव के राम मंदिर में रुकने का विचार किया। भक्त जी ने उस मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा यह नियम है कि मैं जिस किसी भी गांव में जाता हूं, उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूं। उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको राम मंदिर में रुकना मना नहीं है, पर हमारे गाँव और इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि आप कितनी भी राम कथा कर लो, गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब भक्त जी कहने लगे कि मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मैं भगवान श्री राम पर आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान श्री राम पर विश्वास करके ही चलता हूँ। मेरी कथा और कोई सुने या ना सुने, परंतु मेरे राम भक्त हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन यही सोचता रहता हूँ कि श्री राम जी भी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर भी मेरी कथा सुनते हैं और हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी जी समझ गए कि यह बड़े सच्चे भक्त हैं। पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मेरा घर आपकी सेवा में उपलब्ध है और यह राम जी का मंदिर है। इस मंदिर में आप जितने समय राम कथा करना चाहें कर सकते हैं। भक्त जी बोले कि कथा 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूंगा, उसके उपरांत मैं किसी अन्य गांव की ओर चला जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल भक्त जी ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ कर दी। कोई भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए मंदिर में नहीं आया। उस मंदिर के पंडित जी मंदिर में आए, वे मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करके चले गए। अब भक्त जी अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ, भक्त जी ने अकेले ही कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे ही व्यतीत हो गया। पता नहीं क्यों गांव के लोगों को राम कथा में कोई रुचि नहीं थी। चौथा दिन हुआ, 4-5 व्यक्ति आकर कथा में विराजमान हुए और 5वें दिन कुछ और व्यक्ति भी आए। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। भक्त जी तो प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान की कथा सुना रहे थे। कथा राम जी सुनते थे और हनुमान जी भी सुनते थे। 7वें दिन जब कथा चल रही थी तो उसी समय गांव में एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, वह राम जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए आए। वह जैसे ही राम की मूर्ति के सामने माथा टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आई, हनुमान हनुमान। तब हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, प्रभु क्या आदेश है। यह सारी बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। दोबारा उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है यह मूर्तियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। और सेठ जी वहां चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम कहने लगे, हनुमान तुमने देखा है, 7 दिन से मेरा यह भक्त यहाँ कथा कर रहा है। इनके द्वारा इतनी सुंदर कथा करने के बाद भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते और तुम तो कथा रोज सुन रहे हो। क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ कि भक्त जी को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैंने तो सोच रखा है, जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपए दक्षिणा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हनुमान जी की मूर्ति चुप हो गई। सेठ जी तो वैसे ही कंजूस थे,
वह विचार करने लगे कि इस भक्त को 1000 रुपए दक्षिणा मिलने वाली है। राम कथा समाप्ति पर क्यों ना मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूं? सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि मैं भक्त जी को कहता हूं कि राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे देना, उसके बदले में मैं तुम्हें 500 रुपए दान देता हूँ। क्योंकि भगवान राम जी की और हनुमान जी की यह बातें तो सिर्फ मुझे ही पता है, इस बात को और किसी ने तो सुना ही नहीं है। अगर मैं भक्त जी को 500 रुपए दूंगा फिर भी मुझे 500 रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि भक्त जी को 1000 रुपए मिलने वाले हैं। इस तरह जब कथा राम कथा की समाप्ति हो जाएगी तो भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे, मुझे 1000 रुपए मिलेंगे और मैं 500 रुपए देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी भी आज राम कथा में बैठ गए। सातवें दिन की कथा पूर्ण हुई, भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता भक्त जी को रोक लिया और कहने लगे, आपसे मुझे एक काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ, इतने दिनों से आप कथा कह रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा नहीं देते हैं, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि आपको 500 रुपए दक्षिणा दे देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडार में लग जाएगी, आप जितने पैसे देंगे उससे लोगों का ही भला होगा। पैसे देते हुए सेठ जी कहने लगे, आप यह 500 रुपए अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा कि एक बात और है, जब 9वें दिन राम जी की कथा की समाप्ति हो जाएगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारे दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त जी विचार करने लगे कि इस गांव में तो दक्षिणा वैसे भी नहीं मिलने वाली है, पंडित जी ने पहले ही बताया था राम कथा में कोई आएगा ही नहीं, आपको अकेले ही करनी है और अकेले ही सुननी है। भक्त जी ने सेठ जी की बात मानते हुए कहा, जैसे परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले लेना। अब सेठ जी और भक्त जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ, भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। 9वें दिन की तैयारी भी भक्त जी ने बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि सेठ जी के 500 रुपए तो पहले ही उनको मिल चुके थे। अब राम कथा प्रारंभ हुई, उस दिन लोग भी बहुत अधिक संख्या में आए क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर राम कथा में बैठ गए थे, उन्हें पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपए का फायदा होने वाला है। राम कथा समाप्ति पर भोग भी पड़ गया था, उसके बाद भक्त जी ने पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, भक्त जी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें दक्षिणा जो मिली है वह मुझे दे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं है, जहाँ कथा कर रहा था वहाँ पर जाकर आप देख लो, जितनी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगले गांव की ओर यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली है, आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वे मैंने सारे भंडारे में खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी निकल गए। सेठ जी भागते हुए उस पलंग के नजदीक आए जिस पर भक्त जी ने कथा की थी, वहां पर गिने चुने 15-20 रुपए पड़े हुए थे। सेठ जी पलंग पर पड़े ऐसे पैसे उठाकर मंदिर के अंदर की ओर चले गए।
मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे कि उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से बातें कर रहे थे कि भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा देनी चाहिए, अभी तक तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फायदा हो जाता, आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी। पर वह तो मूर्तियां थी, वह तो चुपचाप सब सुन नहीं थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते हैं ना कि गुस्से में ज्ञान ही नहीं रहता है। अज्ञान और क्रोध के कारण सेठ जी ने अपने पैर से बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतनी जोर से पकड़ा कि बार बार सेठ के प्रयास करने के बावजूद भी वह अपना पैर नहीं छुड़वा पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान। हनुमान जी कहने लगे, आज्ञा प्रभु। राम जी कहने लगे, हनुमान जी मैंने आपसे कहा था मेरे भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है, तुमने तो उसे सिर्फ 500 रुपये ही दिलाए हैं। तब हनुमान जी ने हंसकर कहा कि महाराज, सेठ जी अभी 500 रुपये और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, और कहने लगे, कोई जल्दी से उस भक्त जी को पकड़ कर लाओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी अब तुम ऐसे छूटने वाले नहीं हो, जब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। सेठ जी का बुरा हाल हो गया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाए। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भागते हुए सेठ जी के पास आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या हुआ। सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने पकड़ लिया है। अन्य लोगों को तो ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, उन्हें तो लग रहा था कि सेठ पागल हो गया है। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चों को सारी बात बताई। सेठ के 2 पुत्र भागते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं। सेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। पैर जकड़ने का कारण पूछने पर वह कहने लगे, एक भक्त जी यहाँ कथा कर रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था कि कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा और इसके बदले में उसे 500 रुपये दूंगा, मैंने तो उन्हें 500 रुपये पहले ही दे दिए थे, पर उन्हें दक्षिणा में आज कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पांव से प्रहार किया। मैंने जैसे ही प्रहार किया, हनुमान जी ने मेरा पांव जकड़ लिया। अब हनुमान जी हंसते ही जा रहे हैं और हनुमान जी मुझसे बार बार यही कह रहे हैं, सेठ जी भक्त जी को 500 रुपये दे दीजिए, मैं तुम्हारा पांव छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार बातें चल रही थी कि सच में नजदीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज आई। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भक्त जी आगे चले गए हैं, क्या अभी भी तुम उन्हें 500 रुपये ही दिलवाओगे। तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु अगर आप आदेश दे तो हम सेठ जी से पूरे 1000 रुपये निकलवाएंगे। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु आप जितना कहोगे आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भक्त जी को दिलवा देंगे। तब भगवान शंकर जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, सेठ जी देने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए अब तो 1000 रुपये ही दिलाने चाहिए, इन्होंने भक्त जी के साथ भी झूठ कहा है और भक्त जी को ठगने का प्रयास भी किया है, इसलिए अब हमारी इच्छा है कि सेठ जी 1000 रुपये दान करें। इस बार मूर्तियों की यह सभी आवाजें गांव के सब लोगों ने भी सुनी, वह हैरान हो गए कि यह मूर्तियां आपस में कैसे बात कर रही हैं।
सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा दीजिए, हम भाग कर उन भक्त जी को 1000 रुपए देकर आते हैं, तब आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भक्त जी को ढूंढ कर 1000 रुपए देकर आओ, ताकि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। सेठ के पुत्र भागते हुए गए और भक्त जी को ढूंढ कर उनके हाथों में 1000 रुपए देकर वापस आ गए। वापस आकर सेठ जी को देखकर कहा कि हम 1000 रुपए दे आए हैं। तब हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ओर देखकर कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो गया है, कोई अन्य आज्ञा हो तो आदेश दीजिए। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी आपने बड़ी अच्छी सेवा की है, आपने भक्त जी को इतना धन दे दिया है कि उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर आ गए। भक्त जी के मन में लालच नहीं था, वह तो यह सोचकर कथा करते थे कि मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं और जो भक्त भगवान के निमित्त हो जाते हैं भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। हमें भगवान के भक्तों का भी सच्चे हृदय से पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भक्त ही तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो बोलो सभी जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान को मानते हैं, अगर हनुमान जी को, राम जी को, शंकर जी को आप मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखेंगे। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियां पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।